अगर आप यहाँ पे एप्पल यूज़र हो तो आपने कभी ना कभी आईट्यून, आई म्यूज़िक, एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर, मतलब जितने भी स्टोर है एप्पल के, वहाँ पे कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, कुछ ना कुछ सब्सक्राइब किया होगा, या आप करने वाले होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे को कमेंट आए मेरी आईफोन वाली वीडियो में, वहाँ पे लोगों का कहना है कि सर हमारे आईट्यून से पैसे कटते रहते हैं बिना किसी वजह के, पता नहीं हमने क्या सब्सक्राइब किया है, क्या खरीदा हुआ है, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे उठ जाते हैं, कभी कुछ पैसे जाते हैं, कभी कुछ पैसे जाते हैं, मतलब ये दिक्कत बहुत देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसी ही बड़ी सी दिक्कत को हम बहुत छोटा करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं आपको क्रिस्प आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर आपके iTunes के अंदर पैसे उड़ते जा रहे हैं बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के, तो भैया हो सकता है कि आपने कुछ परचेज कर लिया हो गलती से, या फिर हो सकता है यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ सब्सक्राइब किया हो। सब्सक्राइब एज इन की वैसा नहीं जैसा आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हो, वैसा नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है जानते हैं इस वीडियो में। क्या क्यों कैसे कब देखो अब। हाँ, देखो अब। देखिए यहाँ पे एप्पल आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ को लेके कि अगर आपने कुछ खरीदा है, कुछ सब्सक्राइब किया है, तो मेक श्योर, डबल श्योर कर लो आप कि आप एक्चुअल में वो चीज़ परचेज करना चाहते हो। क्योंकि पहले क्या होता था, गलती से अगर आपने कुछ भी परचेज कर लिया है तो वहाँ पे एप्पल आपको वो चीज़ वापस कर देता था आसानी से। लेकिन अब क्या है, न्यू टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा है भैया कि आपको बहुत जल्दी आपकी परचेज की हुई चीज़ की वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप रिफंड चाहते हो तो भाई वहाँ पे बहुत सारा लंबा लंबा स्टेप है, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको, बहुत सारे मेल वेल, मतलब बहुत झंझट है। तो इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैसे, देखिए आपके मोबाइल फोन पे। तो यहाँ पे बेसिकली चेकआउट करने के दो तीन तरीके हैं कि पैसे आपके कहाँ कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको जाना है आपके ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर ऐसा ए लिखा होगा ब्लू कलर का, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपकी परचेज हिस्ट्री आ रही है, अपडेट्स वगैरह, चलो जो भी है। यहाँ पे आपका ऊपर ना फोटो आएगा आइकन छोटा सा, तो इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि फर्दर ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो आप मैनेज सब्सक्रिप्शन ऊपर से तीसरी टैब जो है, तीसरा टैब, वहां पे जाना है, वो क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मैनेज सब्सक्रिप्शन में, देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे को खोल के दिखाता है कि मेरे सब्सक्रिप्शन कौन से हैं, और यही वो प्राइम रीजन है जहाँ पे हर महीने आपके पैसे कट रहे हैं। तो सिंपल सा तरीका है यहाँ तक पहुंचने का कि चेकआउट करने का कि भैया आपने कुछ गलती से सब्सक्राइब तो नहीं कर दिया है, गलती से कोई आपने ऐसी ऐप तो नहीं खरीद ली जिसका हर मंथली या हर क्वार्टरली हर ईयरली कुछ पे करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन में दो टैब आते हैं बेसिकली, एक होता है एक्टिव, एक होता है एक्सपायर। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो फिर मेक श्योर कि आपका यहाँ पे पेमेंट जो मेथड है, जो आपने कार्ड ऐड किया है, वहाँ से पैसे नहीं कटे होंगे। अगर पैसे कटे होंगे तो वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा। अगर हर महीने पैसे कट रहे हैं, हर क्वार्टरली कट रहे हैं, हर ईयरली कट रहे हैं, तो भैया इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक्सपायर में बेसिकली वो सारे एप्लीकेशन हैं जो मैंने सब्सक्राइब किए थे पहले, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो एक्सपायर हो चुके। तो ये जो एक्सपायर है इनके पैसे नहीं कट रहे होंगे, लेकिन जो एक्टिव है यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब प्रीमियम जो है वो एक्टिव है, तो उसकी नेक्स्ट बिलिंग डेट भी आ रही है, 16 जून को बिलिंग होगी, दोबारा पैसे कटेंगे। ऐसे ही जो एक्सपायर्ड है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जितने भी एप्लीकेशन है ये मैंने कभी ना कभी सब्सक्राइब किए थे और फिर मैंने उनको डीएक्टिवेट कर दिया बाद में। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा सब्सक्राइब किया है तो एक्चुअल में आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो ही उसको ऑन रखो, नहीं तो यहाँ पर नीचे जाके आप कैंसिल सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक कर सकते हो। तो ये सिंपल सा तरीका था जो कि एप्पल ने नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है अपने एप्पल डिवाइसेस के अंदर, जहाँ पे आप सिंपली जाके चेकआउट कर सकते हो कि भैया कहाँ पे आपके कीमती वैल्यूएबल पैसे गायब हो रहे हैं। एप्पल के अंदर गायब हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसको रिटर्न कराना काफ़ी मुश्किल काम है, तो ऐसी कोई नौबत ही ना आए तो आप जाके चेक करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पैसे कट रहे हैं तो भैया कैसे कट रहे हैं और कैसे उसको रोकना है। कट चुके हैं तो अगर वो सब्सक्रिप्शन बेस पे है तो शायद यहाँ पे एप्पल रिफंड करे, लेकिन आगे ना कटे उसके लिए ये प्रिकॉशन आप ले सकते हो। तो चेक करते रहो और पैसे बचाते रहो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।